हेलो एवरीवन, आज आप स्टडी कर रहे हैं क्लास इलेवेंथ के लिए मेजरमेंट लेक्चर 6। लास्ट लेक्चर में आपने विमाएं स्टडी की, विमाओं के अनुप्रयोग, जिनमें आपने पहले सीखा सूत्र की सत्ता की जांच करना, दूसरा आपने सीखा किसी सूत्र जो आपको दिया गया वो आपको प्रूव करना, सिद्ध करना, और तीसरा यूटिलाइजेशन आपने देखा, अनुप्रयोग देखा है मात्रक परिवर्त करना। अब जो है आपको विमाओं का एक नया उपयोग बताते हैं, जिसमें आप समझेंगे विमाओं की सहायता से आप किस प्रकार से जो अज्ञात नियतांक हैं उनकी वैल्यू आप फाइंड कर सकेंगे। कोई फॉर्मूला दिया जाए और उस फॉर्मूले से अज्ञात नियतांक आपको निकालना हो तब क्या करेंगे, तब इसके लिए नया यूज है। ये आपके क्वेश्चन इसके अति लघु उत्तरी के स्टार्टिंग में आपको मिलेंगे। देखिए चौथा यूज है इसमें, विमाओं की सहायता से दिए गए सूत्र के लिए अज्ञात संकेत अथवा नियतांक की विमा व मात्र ज्ञात करना। बच्चों मैंने आपको विमाओं के साथ मात्र इसलिए बता दिया क्योंकि विमा से आप मात्रक भी निकाल सकते हैं, तो आज यहाँ मात्रक निकालना भी देख लेंगे साथ साथ में कि विमाओं से आप मात्रक कैसे निकालेंगे। मात्रक से विमा बन जाती है, विमा से मात्रक बन जाते हैं। देखिए तो इसके उदाहरण के लिए जब आप इस फॉर्मूले से आप यूज कर रहे हैं उसके लिए आप कंडीशन आपकी वही सेम है, कुछ रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, उन रूल्स को फॉलो करके आप अज्ञात राशि की निकाल सकते हैं। इसके लिए अगर आपको एक एग्जांपल बताते हैं, इसमें आपको इस मेथड में आपको ये ध्यान रखना रखा जाता है कि जो भी क्वांटिटी दी गई हो अब उसमें अज्ञात नियतांक जुड़ेगा अथवा घटेगा, तो तभी जुड़ अथवा घट सकता है जबकि वो एक ही राशि हो। ये फिनोमेना यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि यदि एक राशि नहीं होगी तो जोड़ा अथवा घटाया नहीं जा सकता। जैसे यहाँ पे वान डर वाल्स समीकरण एक आप पढ़ेंगे वास्तु गैस के लिए, वान डर वाल्स समीकरण, एक साइंटिस्ट थे वान डर वाल्स जिन्होंने अपना सिद्धांत बनाया जिसे कहा गया वान डर वाल्स सिद्धांत। इन्होंने जो है आदर्श गैस से वास्तविक गैसों के लिए फॉर्मूला बनाया। आदर्श गैस का फॉर्मूला होता है पीवी इक्वल आरटी, वन मोल के लिए इन्होंने बनाया आपका वास्तविक गैस के लिए पीवी इक्वल इस प्रकार से वी, जो आपका पीवी इक्वल आरटी है, इसमें पी में इन्होंने दाब करेक्शन किया ए अपॉन वी स्क्वायर, और आयतन में इन्होंने जो है बी करेक्शन किया इक्वल आर टी, जी फॉर्मूला दिया। ये वास्तविक गैस का समीकरण है, वास्तविक गैस का समीकरण। आपसे पूछा जाए कि जो वास्तविक गैस समीकरण इसमें ए और बी जो नेतांक हैं इनके लिए मात्रक व विमा निकालिए। देखिए नेतांकों ए व बी के मात्रक व विमा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पहले जब बोर्ड एग्जाम चलती थी तब आपका मात्रक में भी आ गया विमा में भी आ चुका, तो इम्पोर्टेंट है आपको हर कंपटीशन के लिए कंप्लीट करना है इसे। देखिए कैसे, तो पहले ए के लिए निकालना है आपको, तो देखो वही सिद्धांत जो मैंने बताया कि दो राशि तभी जोड़ी जाती है घटाई जा सकती जबकि उनकी विमाएं समान हो। तो
और निष्क्रिय में जुड़ा है दाब में, तो बिमा समान होगी नहीं होंगी। तो जी यहाँ पे फिर हमने आपको ध्यान रखना है कैसे, यहाँ देखें P की बिमा बराबर A अपॉन V स्क्वायर की बिमा, ये दोनों बिमा हैं तब समान होंगे तभी जुड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कहा जाए आपसे मेरे पास जो है 4 सेब हैं और 2 सेब और हमने ऐड कर दिए, कितने हो गए, तो 4 2 आपने 6 बता दिया। और कहा जाए कि 4 सेब हैं और 2 आपने केले जो है उन्हें ऐड किया, तो क्या ऐड हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कह सकते कुल सेब कितने हो गए जुड़ के, क्योंकि जब राशि समान हो तभी जुड़ेंगी, जब जो है आपको जो वस्तुएं समान तभी तो ऐड करके बताएंगे आप। तो जी फिर हमने यहाँ ध्यान रखना है कि जी जोड़ा गया तभी जोड़ सकते हैं जब उनकी बीमा समान हो। तो P की बीमा बराबर A अपॉन V स्क्वायर की बीमा, तो ए त्रिय गुणा कर दें इनका, A की बीमा बराबर P इंटू V स्क्वायर की बीमा, ऐसा रहा। P यहाँ पर दाब है, देख सकते हैं यहाँ पे P है दाब, V है आयतन और T है यहाँ पर परमता और R जानते हैं सभी गैस नियतांक, गैस नियतांक। तो A की बीमा बराबर क्या रही, त्रिय गुणा कर दिया P इंटू बी स्क्वायर, P दाब है, मैंने आपको बल की बीमा बताई ना, उसी से आप दाब की बीमा निकाल सकते हैं कैसे, दाब बराबर होता बल बटे क्षेत्र, ऐसे बल के लिए बीमा होती एम एल टी माइनस टू एल टू, एल से एल कैंसिल तो ये बन गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू। मैं आपको डायरेक्ट बता देता जी बीमा, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जानकारी हो जाए कैसे बीमा ज्ञात की जाए। मैंने कुछ जो है आपको फोटो इमेज भेजी थी बीमाओं की, तो आपने ध्यान दिया होगा, उन्हें कंप्लीट किया होगा आशा है, और कंप्लीट करना ही है, कम से कम जो 10-10 बीमा मैंने लिखवाई वो तो लर्न करना ही करना है, बिना उनके कुछ संभव नहीं। और अगर याद कर लेंगे आप तो कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कोई क्वेश्चन, तो आपको पूरा फॉर्मूला तो नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट बीमा याद हो जाएंगे जो इम्पोर्टेंट बीमा है। देखो दाब की वाली दिया आपने एम एल माइनस वन टी माइनस टू, आयतन के लिए एल थ्री जरा एम तीन तीन दून छः और जी आपका 6 में से 5 एम एल 5 प्लस का बना और टी माइनस टू। तो इस प्रकार से आपने एक ही बीमा निकाल ली। अब आपको ए का मात्रक निकालना है, तो क्या होगा, ए का मात्रक, मात्रक देखो इसी से आप निकाल सकते हैं कि जिस द्रव्यमान है द्रव्यमान मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर पावर 5, समय का सेकंड पावर माइनस 2, इजी। इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हैं। अब आपको ए की बीमा निकल आई, अब आपको ये बी की बीमा निकाल ली इसमें, तो वही फिनोमेना फिर है आपका कि बी की बीमा बराबर बी की बीमा, क्योंकि जब बीमाएं समान तभी तो इन्हें घटा रहे हैं आप, V की बीमा। तो हम देखा V आयतन है, यहाँ पर आयतन बीमा होगी L3, ऐसे आप निकाल लीजिए। और यदि मात्रक ज्ञात करना हो B का मात्रक तो L3 है, तो क्या रहा मीटर क्यूब। इस टाइप से बच्चों आप जो है फाइंड कर सकते हैं इनकी बीमा मात्रक किस टाइप से निकालनी है, तो आप इन्हें ध्यान रखें। इसी टाइप का एक एग्जांपल में और आपको बताता हूँ जिसमें आपको जो है बीमा का यूज आप कर सकें। जैसे सेकंड एग्जांपल में देखो वेलोसिटी दिया गया है, वी कुल दिया गया ए प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी, ऐसा वी यहाँ वेग है, टी समय है और यहां पर आपसे पूछा गया ए बी सी डी की बीमा बताओ, जी पूछ लेंगे।
ये नेतांक है यहाँ पर, ए बी सी डी जो नेतांक है इनकी विमा आपको याद करनी है। तब किसी कण की चाल के लिए कंडीशन आपने मेरे कल आपके सामने है, तो मैंने आपको जो बताया वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। ये फॉर्मूला बड़े ही आपको दिख रहा होगा, इतना बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन इसमें आप जो है वायु का वेग दिखा रहे हैं, वायु का वेग इस फॉर्मूले से शो कर रहे हैं आप। तो आप देखिए कि फॉर्मूला देखिए, तो कहीं से भी आप स्टार्ट, सपोज ये स्टार्ट किया आपने, ये क्वांटिटी जी ऐड की गई, जोड़ी गई है, जोड़ी गई तो इनकी विमा समान होंगी, तो की विमा बराबर है, टी की विमा, दोनों विमा यहाँ बराबर है, तो यहाँ पे देखा टी है टाइम टी सेकंड, तो डी की विमा निकल आएगी। अब ये फॉर्मूला टी निकल आया, अब आप जाने चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, जब यहाँ समय जब नीचे है तो दूरी क्या होगी ऊपर, या वेग कहें तो वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन ऊपर है, तो यहाँ लिखें सी की विमा बराबर विस्थापन की विमा, मुझे थोड़ा आपको हल्का दिमाग यूज करना है, और विस्थापन या लंबाई विमा होती एल, ये आपका बना सी की विमा। अब देखिए आपको निकाल रहे हैं अब बी की विमा, अब पीछे चल रहे हैं डी सी अब बी ए और करते हैं क्या है क्रम से, तो बी की विमा। अब देखो जब ये क्वालिटी है ये जुड़े हैं सभी, तो ये भी वेग होगा, ये भी वेग होगा, ये भी वेग होगा, होगा नहीं होगा, तो यहाँ देखें आप बी टी की विमा बराबर वेग की विमा, वेग की विमा तो यहाँ बी की विमा क्या रही बी की विमा बराबर बी अपॉन टी की विमा, यहाँ आप देखो वी वेलोसिटी यहाँ पर, तो यहाँ पे बी की विमा होती एल टी माइनस वन और समय की विमा टी, ध्यान दिया होगा आपने, मैंने आपको लर्न करने दिया था एल टी माइनस टू ऐसा, ये रही आपकी बी की विमा ऐसा। अब आपको निकाले ए की विमा, ये तो आपने देख ही लिया कि जब ये सब जुड़े हैं तो बी की विमा बराबर ए की विमा, देखो ए की विमा बराबर वी की विमा, तो वी वेग यहाँ पे एल टी माइनस वन, ये रही ए की विमा। इस टाइप से स्टूडेंट्स अपने जो है ऐसे कंप्लीट करना है, तो आशा सभी को जो है ये मेथड समझ में आया होगा कि अज्ञात राशियों के लिए कांस्टेंट की विमा आप किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।